सरजीत सूर, तो मैं 22 तो आई हैगी हाँ, आफ्टर 21 ईयर। तो स्पेशली मैं बायोट्रिक सर्जरी वास्ते आई हाँ। मैं सुनिया सीगा कि काफ़ी लोगों तो जिन्होंने मैं सुनिया कि इदा हो जाता कि वेट थोड़ा रिड्यूस हो जाता, प्लस थोड़ी कोई पेन वगैरह, तो जिनी देर आप नहीं करते उन्नी देर थोड़ा इदा ही लगता कि भी थोड़ा जहा लगता कि किमें होगा। पर मेरे उस तो पहले मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम आ गई सी कि मेरे साइटिक नर्व दे करके बैक में प्रॉब्लम, फिर लैग में, तो वो करके मेरी नी दुखन लग गया सी बहुत। तो वेट मेरा आलमोस्ट 220 से पहुँच गया सी, 220 पाउंड। तो हुण फिर मैं तां करके सोचा, कहिंदे कि जिवें जिवें अपना वेट, डॉक्टर कहिंदे सी कि वेट रिड्यूस करो, तो जिहड़ा कि जदों आपां पहलां बिफोर 40 तो वेट बहुत ईजी हो जाता रिड्यूस, पर आफ्टर 40 फिर रिड्यूस होना बहुत मुश्किल हो जाता। तो तां करके फिर मेरे दिमाग च यही सी कि जे मैं डॉक्टर कहिंदे सी कि नी सर्जरी करा, उहदे नाल तूं ठीक हो जाएगी, पर मैनूं सीगा कि नी सर्जरी दे नाल जे मैं इन्ना ज़्यादा सफ़र करना कि उत्थे बहुत ज़्यादा देखिया कि रोंदे कुलाउंदे नूं, तो मैं पहला मैं यही क्यों ना ट्राई कर लाँ बायोट्रिक सर्जरी, मेरा वेट लूज हो जाए, तो हो सकता ये नाल ही मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्लस मैं भी कंटिन्यू इतने मालिश वगैरह करा सकती हाँ नीज़ से, तो करके फिर मैं सर्जरी कराई। सेम टाइम मैं नाल दी नाल घर कराई जाती हैगी नीज़ वगैरह तो मालिश लगातार, तो वह ही फिर मैं बहुत ज़्यादा फर्क मेरा हूँ 209 अज है। पहला जो सर्जरी हुई तो बाद पहला 220 सी, फिर जदों थोड़े दिन उत्थे 2 वीक पहला करन लग गए सीगे डाइट तो 213 पाउंड, तो जो इत्थे आए हैगे 96.7 किलो सीगा। तो हुण अज मेरा आफ्टर मैं बेटे दे नाल आई हैगी हाँ, अज चैक किया तो हुण 90 किलो आ, तो जिहदे नाल मैं बहुत खुश हाँ हुण, तो अपने आप नूं भी बैटर फील करदा। तो मैं चाहुंदी हाँ कि मेरा चलो जे 140 पाउंड तक हो जाए तो ठीक आ। पहला मेरा BP हाई रहन लग गया सीगा, तो जिहड़ा शुगर आ बॉर्डर लाइन ते सीगा, सो मैं नहीं चाहुंदी सीगी कि मैं ज़्यादा दवाइयां 'च फसी जावां, क्योंकि पहला भी मैं थोड़ी जी, मेरा पहला एक्सीडेंट होया सीगा, तो फिर मेरे ब्रदर दी हेड इंजरी हुई सीगी, उहदे करके मैं आप थोड़ा स्ट्रेस रहन लग गई सीगी, तो प्लस फिर थोड़े थोनों एवें लगी जाता मेरी लत 'च पेन हुंदी आ, मेरी बांह 'च पेन हुंदी आ, फिर वो फिर अगे मैं नहीं सी चाहती कि मैं इदा ज़्यादा कोई दवाइया पावं, तो फिर मैं यही तरीका समझा कि यही बेस्ट आ, तो फिर तुसी अगे मेनटेन कर सकते हो वेट नूं। आफ्टर सर्जरी तुहाडी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे कि मैनू हुण मैं थोड़ा जिहा जिवें जिवें वेट रिड्यूस होई जांदा तां उहदे नाल थोड़ा जिहा तुसी वॉकिंग करना जां सारा कुछ कंफर्ट होई जांदा, तो होपफुली भी इदा जिवें जिवें हुण वेट अगे रिड्यूस होगा तो मैनू नीज़ दी मैनू ना ही करवाउणी पवे। उत्थे मैनू डॉक्टर ने कहता सीगा कि तेरी हाफ नी दी सर्जरी कर दिंदे आ कि फुल दी नहीं कर देंगे, इनर साइड तो ना बिल्कुल ओह कहिंदे सी गैप जिहड़ा ओह खत्म हो चुक्या, तो जे ज़्यादा वेट रिड्यूस कर जां फिर ओह सर्जरी। सो मैं नी सर्जरी तो थोड़ा जिहा मैं ज़्यादा स्केयर सीगी, सो फिर मैं तां करके थोड़े अपने बेटे नूं भी ज़्यादा मोटीवेट किया कि नहीं आपां इह करनी हैगी आ दोनों ने, तो वह करके हुण वह भी थोड़ा हैप्पी आ, तो मैं भी हुण भी बहुत वधिया फील करदी हाँ। अज मेरा हुण मंडे नूं हैगा आफ्टर 3 डे, फिर अज मेरे 2 वीक होने, अज 12 डे हो गया, तो मेरा हुण तकरीबन 6-7 किलो घट गया हैगा, स रोज़ का जिवें 1/2 किलो रोज़ का घटता हैगा। हाँ जी, तो मैं कुछ ना कुछ जिवें मैं सुनिया सीगा कि बंद नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लिक्विड वगैरह तुसीं कुछ ना कुछ ले जाओ, एवरी तो बो बॉटल भी तुसीं नाल रखते हैं कि कोकोनट वाटर जां वाटर तुसीं नाल दी नाल ले जाना हैगा थोड़ा थोड़ा। तो वैसे भी जिहड़ा मैं लै रही हाँ मतलब खिचड़ी वगैरह तो सारा कुछ, तो मैं भी बहुत डरती सी, मेरी भी फ्रेंड ने ही मैनूं मोटीवेट किया कि नहीं तू आ जाओ, कुछ नहीं हुंदा, इदां बहुत जने दी सुनिया इत्थे होई हैगी है सर्जरी, तो उहदे नाल फिर मैनूं भी हौसला होया थोड़ा जिहा है ना, तो भी वह मतलब तुसीं बेसिकली यही है कि थोड़ा थोड़ा तुसीं नाल दी नाल ले जाओ, फिर थोनों वीकनेस भी नहीं इन्नी होंगी गी, तो भी खिचड़ी होया पानी होया जां कुछ ना कुछ तुसीं वाटर मिलन दा हो गया वो लै लिया, एवरी टू आवर बाद कुछ ना कुछ लेने ना थोड़ा थोड़ा, फिर थोनों इन्ना ज़्यादा फील भी नहीं होंगे भी। हाँ जी, तो उदों तक आफ्टर जो क्योंकि हम नैक्सट वीक तो मैं हम बस मंडे तो बाद मैं आफ्टर 2 डेज मैं शुरू कर देना चपाती
क्वार्टर चपाती एंड प्लस हाफ कटोरी ऑफ दाल ते दही, फिर वो होर नॉर्मल होने लग जाना ते प्रोटीन शेक वगैरह लैन लग जाना ना। इस तरह की तो कोई गल नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे जी। तो भी सुने ना कि पेन वगैरह जो अपने गिट्टे तो गोडे कि पेन होंगी है एवं लेडीज़ की, ये फिर जिमें जिमें वेट बढ़ता थोड़ा थोड़ा स्ट्रैस भी होने लग जाता। तो तुसी वैसे तो मैं बहुत एक्टिव सी पर कितने ना कि लगता हों जिमें जिमें वेट बढ़ता तुम थोड़े घट ही जाने थोड़ा थोड़ा थोड़ी हिम्मत घटी जाती है, पर जो इस तो बाद फिर तुम थोड़े जि होर एक्टिव भी होने लग जाने, चलना फिरना सारा कुछ। तो प्लस फिर तुम अगे कपड़े वगैरह पाने होंगे जो पहला पहला हों जिमें तो वेट वधी जाता तुम कपड़े पाँव का भी कोई मज़ा नहीं आता, फिर डे बाय डे इदा भी होंगे। एटलीस्ट तुम जो आपकी चॉइस का पा सकते हैं। हाँ जी मैं तो यही कहूँगी कि जे अपन इन्ना इन्ने औखे होके जाने नालों तो जे एक दिन आप यही करा लावे एटलीस्ट गांह वाली लाइफ जी अपनी, क्योंकि जो जंग एज दे विच तां कोई आप सौखा रहिंदा करना कि कोई भी तकलीफ आप सह सकते, जिवें जिवें अगे एज हुंदी आ फिर वो थोड़ा जहा हार्ड हुंदा कोई भी तकलीफ लैनी, तो ये करा के फिर मेरे हिसाब नाल तो ठीक हैगा कि जे ये एक दिन करवा के तीसरे आफ्टर टू नाइट तो असीं घर चले जाने। तो मेरे वास्ते तो यही वधिया तरीका है।